जैसा कि आपने देखा कुछ इस तरीके का, अगर आपके भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में एरर आ रहा है तो ये एरर किस चीज़ का है और कैसे ये सॉल्व होगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। तो मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले 99% ये जो चीज़ है वो बिल्कुल ही बिल्कुल हार्ड डिस्क खराब होने की है, या फिर फर्स्ट स्टेप में हमारा आता है कि हार्ड डिस्क की विंडो करप्ट है, सेकेंड स्टेप में हमारी हार्ड डिस्क खराब है, थर्ड स्टेप में हमारी जो भी विंडोज़ हमने इंस्टॉलेशन पे लगाई थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर हमारी विंडोज़ खराब है यानी जो हमारी पेन ड्राइव में। तो अब ये कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आपकी जो विंडोज़ फाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी विंडोज़ जो पेन ड्राइव के अंदर बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर विंडोज़ है वो अगर करप्ट है तो आपकी जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो आपकी वो फाइलेड हो जाती है, यानी कि एरर आ जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता है। तो अब ये सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है, सबसे पहले ये काम होगा कि हमारी जो विंडोज़ की पेन ड्राइव है उसको एक बार आप रीस्टोर करके एक नई विंडो, यानी कि आपके पास दूसरी पेन ड्राइव है जिससे आपने अभी तक किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल ना किया हो, तो वो पेन ड्राइव लगा के आपको दोबारा रीस्टार्ट करना है और उसके बाद 99% या फिर 90% ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये मान लीजिए हमारी हार्ड डिस्क की कुछ एरर है, ये नहीं कह सकते कि ख़राब है लेकिन हाँ हार्ड डिस्क की कुछ एरर है, यानी कि हार्ड डिस्क वर्क कर नहीं कर रही है या फिर कोई इसका पार्ट लूज है या फिर हम ये कह सकते हैं। तो अब ये कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले अपने को हार्ड डिस्क वो निकालनी है, जब भी आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में वो हार्ड डिस्क निकाल कर अपने दूसरे सिस्टम में लगा कर आपको फिर विंडोज़ इंस्टॉलेशन करनी है। ये नहीं है कि आप उसी सिस्टम में लगा के इंस्टॉल कर रहे हो, मैं कहूँगा कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए कि आप दूसरी सिस्टम में भी लगाकर विंडोज़ इंस्टॉल कर दो। लेकिन अगर आप लोग ये हमारा हो गया 95% अब ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी इसके बाद भी विंडोज़ जो प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन की वो सॉल्व नहीं होती है तो सबसे पहले आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने कंप्यूटर को अच्छी तरीके से एक बार क्लियर कर लेना है, यानी कि साफ कर लेना है, और साफ करने के बाद जो भी हार्ड डिस्क है एक बार फिर ट्राई करना है। अगर इसके बाद भी नहीं चलते तो ये समझ लीजिए आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, आपको एक बार रिपेयर की शॉप पर दिखाना पड़ेगा और एक बार दिखा कर आप देख लीजिएगा, वो खुद बता देगा कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो बाय द वे जो फर्स्ट स्टेप है हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन का वो एक बार जो ट्राई कर लीजिएगा, अगर इसके बाद भी नहीं होता तो आप सेकेंड स्टेप को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही दो तरीके ये बहुत ही अच्छे बताए मैंने आपको, इसको आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके लिए और भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहे। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।